मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे गियरबॉक्स भी कहा जाता है, एक प्रकार का ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। यह इंजन से उपलब्ध टॉर्क और स्पीड में बदलाव करके पहियों तक पहुंचाता है और इसके लिए गियर्स का इस्तेमाल करता है। इस वीडियो में गियर रेशियो, स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स, कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स, डबल डी क्लचिंग और फिर सिंक्रो मेश गियरबॉक्स, जो कि ज़्यादातर आधुनिक गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, को समझाया जाएगा। यहाँ पर दो गियर्स एक दूसरे के साथ मेश में हैं। बड़े गियर पर छोटे गियर के मुकाबले दो गुना टीथ हैं, इसलिए छोटे गियर को बड़े गियर के हर एक रोटेशन पर दो रोटेशन करने होंगे ताकि यह बड़े गियर पर सभी टीथों को पार कर सकें। इसका मतलब है कि छोटे गियर की रोटेशनल स्पीड बड़े गियर के मुकाबले दो गुना है। इनपुट स्पीड और आउटपुट स्पीड के रेशियो को गियर रेशियो कहा जाता है और यह आउटपुट गियर पर टीथ की संख्या डिवाइडेड बाय इनपुट गियर पर टीथ की संख्या के बराबर होता है। इनपुट टॉर्क को जब इनपुट गियर की रोटेशनल स्पीड से गुना कर दिया जाता है तो वह इनपुट पावर होता है, और पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होना ज़रूरी है, जो कि आउटपुट टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रोटेशनल स्पीड के बराबर होता है। क्योंकि आउटपुट गियर की रोटेशनल स्पीड इनपुट गियर की रोटेशनल स्पीड की आधी है, इसलिए आउटपुट शाफ्ट इनपुट शाफ्ट के मुकाबले दो गुना टॉर्क डिलीवर करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक तरफ कम टॉर्क ज़्यादा गति से लगाएं, तो गियर सिस्टम की मदद से हम आउटपुट में ज़्यादा टॉर्क कम स्पीड से प्राप्त कर सकते हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल को गियर बॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑटोमोबाइल को रेस्ट से शुरू करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए या लोड खींचने के लिए काफ़ी टॉर्क की ज़रूरत होती है। इन स्थितियों में गाड़ी का तेज़ी से चलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जब गाड़ी लेवल रोड पर तेज़ी से चल रही है, तब गाड़ी के पहियों पर ज़्यादा टॉर्क लगाने से बेहतर है कि कम टॉर्क को ज़्यादा गति से लगाया जाए। इंजन इतनी बड़ी स्पीड रेंज में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है, इसलिए इंजन और पहिए के बीच रिलेटिव मोशन के लिए गियर का एक सेट इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ट्रांसमिशन सिस्टम या गियरबॉक्स कहा जाता है। स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स सबसे सिंपल और बहुत पहले से इस्तेमाल होने वाला गियरबॉक्स है। इसमें तीन पैरेलल शाफ्ट होते हैं, इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट काउंटर शाफ्ट के जरिए जुड़े होते हैं। काउंटर शाफ्ट पर मौजूद गियर के जरिए पावर आउटपुट शाफ्ट तक पहुंचता है। इसके बाद आउटपुट शाफ्ट यह पावर प्रोपेलर शाफ्ट को ट्रांसफर कर देता है ताकि यह पहियों तक पहुंच सके। इनपुट शाफ्ट पर एक गियर होता है जिसे क्लच गियर कहते हैं। यह काउंटर शाफ्ट के गियर से लगातार मेश में रहता है। आउटपुट शाफ्ट स्प्लाइंड होता है और इस पर जो गियर्स होते हैं वह काउंटर शाफ्ट के गियर से मेश करने के लिए आउटपुट शाफ्ट पर एक्चुअली स्लाइड कर सकते हैं। इस प्रकार के गियर बॉक्स में गियर बदलने पर आवाज़ होती है और बिना किसी नुकसान के गियर बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स में स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की ही तरह इंजन से पावर क्लच के माध्यम से इनपुट शाफ्ट तक पहुँचता है। आउटपुट शाफ्ट पर जो गियर होते हैं वह आउटपुट शाफ्ट पर फिक्स्ड नहीं होते और आउटपुट शाफ्ट पर फ्रीली रोटेट हो सकते हैं। फ्री गियर्स को डार्क कलर से दिखाया गया है। काउंटर शाफ्ट पर अलग अलग साइज के गियर फिक्स होते हैं और काउंटर शाफ्ट के रिलेटिव किसी भी प्रकार का मोशन नहीं कर सकते। फिक्स गियर्स को ब्लू कलर में दिखाया गया है। काउंटर शाफ्ट के गियर्स हमेशा आउटपुट शाफ्ट के गियर्स के साथ मेश में रहते हैं
और इन मैशिंग गियर्स के अलग अलग गियर रेशियो होते हैं। उदाहरण के लिए फर्स्ट गियर में बड़े गियर पर छोटे गियर के मुकाबले 3 गुना टीथ हैं, इसलिए बड़ा गियर छोटे गियर के मुकाबले 3 गुना धीरे घूमता है और आउटपुट शाफ्ट पर 3 गुना ज़्यादा टॉर्क लगा सकता है। इसी प्रकार से सेकेंड गियर के लिए बड़े गियर पर छोटे गियर के मुकाबले 2 गुना टीथ हैं और इसलिए बड़ा गियर 2 गुना धीरे घूमता है। इसी प्रकार आउटपुट शाफ्ट पर सभी गियर अपने गियर रेशियो के अनुसार अलग अलग गति से घूमते हैं। वहीं आउटपुट शाफ्ट पहियों से जुड़ा होने के कारण पहियों से संबंधित गति पर घूमता है। आउटपुट शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए फ्रीली घूम रहे गियर्स में से किसी एक गियर को आउटपुट शाफ्ट पर लॉक करने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने के लिए आउटपुट शाफ्ट पर एक हब फिक्स किया जाता है, इसलिए हब आउटपुट शाफ्ट के साथ घूमता है। हब पर एक स्लीव स्प्लाइंड किया जाता है जो कि हब पर एक्चुअली मूव कर सकता है। इस स्लीव को स्लाइड करके गियर के साइड में लगे सिंक्रो टीथ के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने से गियर हब के जरिए आउटपुट शाफ्ट पर लॉक हो जाता है, इसलिए लॉक्ड गियर, आउटपुट शाफ्ट, शिफ्ट स्लीव और हब एक यूनिट की तरह काम करते हैं और एक ही स्पीड पर घूमते हैं, जबकि दूसरे गियर्स अपने गियर रेशियो के मुताबिक शाफ्ट पर फ्रीली रोटेट होते हैं और इसलिए इनकी स्पीड आउटपुट शाफ्ट से अलग होती है। इसी प्रकार शिफ्ट स्लीव स्लाइड होकर सेकेंड गियर से जुड़ सकता है, जिसके कारण सेकेंड गियर हब के माध्यम से आउटपुट शाफ्ट पर लॉक हो जाता है। अब सेकेंड गियर और आउटपुट शाफ्ट एक ही स्पीड से घूमते हैं और पावर इंजन से इनपुट शाफ्ट, फिर काउंटर शाफ्ट, फिर सेकेंड गियर से आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर होता है। आउटपुट शाफ्ट पर थर्ड और फोर्थ गियर को लॉक करने के लिए एक और हब और शिफ्ट स्लीव दिए जाते हैं। शिफ्ट स्लीव को थर्ड गियर से जोड़ने से थर्ड गियर लॉक हो जाता है। फोर्थ गियर के लिए शिफ्ट स्लीव को डायरेक्टली इनपुट शाफ्ट के गियर से जोड़ दिया जाता है और पावर सीधे इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट को बिना किसी स्पीड डिडक्शन के ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट ड्राइव भी कहा जाता है। पर यहाँ पर एक समस्या है, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स में शिफ्ट स्लीव और गियर में स्मूथ एंगेजमेंट के लिए यह ज़रूरी है कि दोनों की स्पीड बराबर हो। मान लीजिए कि हमें फोर्थ गियर से फर्स्ट गियर पर आना है। अभी फोर्थ गियर आउटपुट शाफ्ट पर लॉक है और इसलिए आउटपुट शाफ्ट फोर्थ गियर की स्पीड से घूम रहा है, इसलिए शिफ्ट स्लीव फर्स्ट गियर के मुकाबले काफ़ी तेजी से घूम रहा है और ऐसे में शिफ्ट स्लीव को फर्स्ट गियर के साथ स्मूथली एंगेज नहीं किया जा सकता। शिफ्ट स्लीव को फर्स्ट गियर के साथ एंगेज करने के लिए फर्स्ट गियर की स्पीड को बढ़ाकर शिफ्ट स्लीव की स्पीड के बराबर करना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए क्लच को पहली बार क्लच पैडल दबाकर डिसएंगेज किया जाता है, जिसके कारण इंजन इनपुट शाफ्ट से डिसएंगेज हो जाता है और फिर गियर को न्यूट्रल पोजीशन पर लाया जाता है। इसके बाद क्लच पैडल रिलीज करके इंजन को वापस इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर इंजन को एक्सीलरेट किया जाता है। जब ड्राइवर को लगता है कि फर्स्ट गियर की स्पीड शिफ्ट स्लीव के बराबर हो गई होगी, तब ड्राइवर दूसरी बार क्लच पैडल को दबाकर इनपुट शाफ्ट को फिर से इंजन से डिसएंगेज कर देता है और शिफ्ट स्लीव को फर्स्ट गियर के साथ एंगेज कर देता है। इसके बाद क्लच पैडल को रिलीज करके इनपुट शाफ्ट को इंजन के साथ जोड़ दिया जाता है और इसलिए अब पावर फर्स्ट गियर के जरिए ट्रांसफ़र हो रहा है।
इसलिए गियर को बदलने के लिए दो बार क्लच को दबाने की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए इसे डबल डी क्लचिंग कहते हैं। इस तरह की समस्या से बचने के लिए मॉडर्न मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों में सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स फिट किया जाता है। सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स में शिफ्ट स्लीव और जिस गियर को आउटपुट शाफ्ट पर लॉक करना है उसकी स्पीड अपने आप बराबर हो जाती है। यह काम सिंक्रोनाइजर रिंग के द्वारा किया जाता है। यह सिंक्रोनाइजर रिंग इस तरह फिट किया जाता है कि यह आउटपुट शाफ्ट के साथ घूमे और साथ ही साथ में इसका एक्सियल मूवमेंट भी हो सके। सिंक्रोनाइजर रिंग में इंटरनल कोन होता है और गियर्स पर मेटिंग कोन दिया जाता है जो कि सिंक्रोनाइजर रिंग के इंटरनल कोन के साथ मिलकर कोन क्लच बनाता है। मान लीजिए कोई गाड़ी स्थिर खड़ी है, इसलिए आउटपुट शाफ्ट भी नहीं घूम रहा होगा। अब हम पहले गियर को आउटपुट शाफ्ट पर लॉक करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए क्लच पैडल को दबाया जाता है ताकि इंजन ट्रांसमिशन से डिस्कनेक्ट हो जाए और अब ट्रांसमिशन सिस्टम केवल अपने इनर्शिया के कारण घूम रहा है। अब जब शिफ्ट स्लीव को धकेला जाता है, इससे पहले कि शिफ्ट स्लीव टीथ के साथ एंगेज हो सके, कोन क्लच पहले ही एंगेज हो जाता है, जिसके कारण सिंक्रोनाइजर रिंग और गियर पर दिए हुए कोन के बीच फ्रिक्शन होने लगता है। यह फ्रिक्शन गियर सिस्टम के इनर्शिया पर हावी हो जाता है और गियर की स्पीड शिफ्ट स्लीव की स्पीड के बराबर हो जाती है। शिफ्ट स्लीव को थोड़ा और धकेलने पर यह गियर के साथ स्मूथली एंगेज हो जाता है। अब क्लच पैडल को रिलीज किया जाता है जिससे कि पावर फर्स्ट गियर से ट्रांसमिट होने लगता है और आउटपुट शाफ्ट घूमने लग जाता है जिससे गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। इसी प्रकार सेकेंड गियर लगाने पर सिंक्रोनाइजर रिंग और सेकेंड गियर के बीच होने वाले फ्रिक्शन के कारण सेकेंड गियर की स्पीड शिफ्ट स्लीव के बराबर हो जाती है और शिफ्ट स्लीव सेकेंड गियर के साथ स्मूथली एंगेज हो जाता है। रिवर्स गियर के लिए शिफ्ट स्लीव पर टीथ दिए जाते हैं और एक फिक्स्ड गियर काउंटर शाफ्ट पर दिया जाता है। यह दोनों गियर डायरेक्टली मेश में नहीं होते, इनको जोड़ने के लिए एक आइडलर गियर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि घूमने की दिशा बदल जाती है। जब रिवर्स गियर लगाने की ज़रूरत होती है तब काउंटर शाफ्ट के गियर को और शिफ्ट स्लीव को आइडलर गियर को शिफ्ट करके जोड़ दिया जाता है। अब आउटपुट शाफ्ट रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। रिवर्स गियर सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है जिसके कारण गाड़ी के रुक जाने के बाद ही रिवर्स गियर लगाया जाता है। गाड़ी को हाई स्पीड से चलाने के लिए फिफ्थ गियर लगाया जाता है। इस केस में फ्रीली रोटेट होने वाले गियर को काउंटर शाफ्ट पर लगाया जाता है और फिक्स्ड गियर को आउटपुट शाफ्ट पर लगाया जाता है। गियर शिफ्ट स्लीव और हब की मदद से काउंटर शाफ्ट पर लॉक किया जा सकता है। गियर चेंज करने के लिए शिफ्ट शाफ्ट दिए जाते हैं। अभी रिवर्स गियर लगा हुआ है। अब गाड़ी न्यूट्रल पर है। अब फर्स्ट गियर लग गया। अब गाड़ी न्यूट्रल पर है। अब सेकंड गियर लग गया। अब फिर से न्यूट्रल पर। अब थर्ड गियर लगा दिया गया। इसी प्रकार फोर्थ और फिफ्थ गियर लगाए जाते हैं।